सत श्री अकाल। तो स्वागत है एक और न्यू वीडियो में। तो यार आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ, मैं अपनी कावासाकी निंजा 300 को मैंने फुली मॉडिफाई कर दिया है लॉन्ग ट्रिप के लिए। तो फिलहाल क्योंकि हम जाने वाले हैं भाई लद्दाख ट्रिप पर, जो कि हर एक राइडर की ख्वाहिश होती है कि एक ना एक बार ज़िंदगी में अपनी बाइक, खुद की बाइक लेकर जानी है अभी लद्दाख ट्रिप पर। तो फाइनली मेरा भी वो दिन आ चुका है, मैं जा रहा हूँ अभी लॉन्ग ट्रिप पर। तो साथ में मेरे दो दोस्त और जा रहे हैं। चलो मैं आपको दिखाता हूँ मैंने लॉन्ग ट्रिप पर जाने के लिए इसमें क्या क्या मॉडिफिकेशन की है। लॉन्ग ट्रिप पर हमें हर एक ज़रूरत की जो चीज़ है वो लेके जानी आसान रहे और लॉन्ग ट्रिप पे हमें कोई दिक्कत ना आए। सबसे पहले मैंने तो भाई इसका एग्जॉस्ट उतार दिया है। हाल ही में मैंने इसमें लगाया था एसी प्रोजेक्ट स्लिप ऑन लगाया था भाई, उसकी साउंड तो मस्त थी लेकिन लॉन्ग ट्रिप पे भाई उसने दिमाग ख़राब कर देना था। क्योंकि लगाने के बाद मैंने उसको टेस्ट किया था, मैं गया था तकरीबन 100 किलोमीटर गया था भाई, दिमाग ख़राब कर दिया था उसने एग्जॉस्ट ने, क्योंकि उसकी साउंड इतनी ज़्यादा लाउड थी ना भाई एसी प्रोजेक्ट की। मैंने सबसे पहले आकर ना इसका एग्जॉस्ट उतारा। सबसे पहले जो मोस्ट इम्पोर्टेंट हमें बैग कैरी करने के लिए, सामान कैरी करने के लिए स्पोर्ट्स बाइक में बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होती है, तो उसके लिए मैंने ये देखिए आपके सामने ये मैंने खुद से डिज़ाइन किया है और वर्कशॉप से बनवाया है अपने डिज़ाइन देकर। और ये निंजा 300 में पहले से नहीं आता, शायद आज तक ये वाला किसी ने नहीं बनाया ऐसे। देखने में ये इतना बुरा भी नहीं लग रहा लेकिन बिल्कुल बाइक के साथ मैच हो चुका है। देखो ये देखो, तो ये पूरा स्टील का बनाया है एसएस का। तो उसके बाद ये खुद मैंने पेंट किया इसको अच्छी तरह से और बिल्कुल बाइक के साथ मैच हो गया। ऐसा नहीं लग रहा कोई जुगाड़ कर रखा है यार, क्योंकि मेरे पास टेल बैग मैंने ले लिया था लेकिन टेल स्टैंड मैंने मुझे बनाना पड़ा खुद। सबसे बड़ी दिक्कत अब हमें टेल बैग रखने की थी वो सॉल्व हो चुकी है। देखिए पूरा मैंने सोच समझ के बनाया, इसकी ये वाली सीट भी खुल जाएगी पिछली, मतलब कि ऐसा नहीं है अभी सीट खुलेगी नहीं फिक्स हो गई है ऐसा कुछ नहीं है, तो ये सीट भी खुल जाएगी इसकी। उसके बाद जो इसकी राइडर की भी सीट होती है इसको भी मैंने थोड़ा सा सॉफ्ट करवाया है। देखिए इसकी हाइट पहले से थोड़ी ज़्यादा हो गई है, तो ये मैंने लॉन्ग राइड के पर जाने के कारण ही करवाया, क्योंकि यार बैक बहुत ज़्यादा पेन होने लग जाती थी लॉन्ग राइड में 100 किलोमीटर के बाद। इसके फ्रंट और रियर दोनों में मड गार्ड्स, तो कीचड़ से बचने के लिए पिछली साइड लगाया है भाई सिंगल आर्म डुकाटी स्टाइल रियर टायर हगर। ये देखो ये कुछ दिखने में ऐसा लग रहा है, तो इस साइड से भी दिखा देता हूँ। ये देखो बढ़िया लग रहा ना, ये बिल्कुल एक नंबर। तो फ्रंट टायर में भाई ये जुगाड़ किया है मैंने, क्योंकि लद्दाख में भाई बहुत कीचड़ मिट्टी गारा आपको मिलेगा क्योंकि बारिश का मौसम भी वहाँ होता है। तो इसका फ्रंट फेंडर मैंने एक्सटेंड किया है, तो ये वाली प्लास्टिक आपको अमेजोन पे भी मिल जाएगी। तो ये जो मैंने सारी मॉडिफिकेशन कर रखी है इसकी सारी वीडियोस मैंने बना रखी हैं, आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सारी वीडियोस के मॉडिफिकेशन के लिंक मिल जाएंगे, आप जाके देख सकते हो। तो ये फ्रंट फेंडर एक्सटेंड किया है मैंने, इसका मेन और सबसे बड़ी वजह ये है क्योंकि लास्ट टाइम हम गए थे शिमला कुफरी तो भाई मेरा रेडिएटर फैन जल गया था, क्योंकि यहाँ से जितना भी गारा मिट्टी था सारा इसमें गया, तो वो पता नहीं कैसे यार इसके रेडिएटर फैन में चला गया, क्योंकि इसका रेडिएटर फैन इसके नीचे होता है, तो रेडिएटर फैन तक इसका गारा चला गया था और इसका फ़ैन जाम हो गया। जाम होने की वजह से मोटर जल गई भाई। इसका 32,000 रुपये का सिर्फ रेडिएटर फ़ैन है, तो ये मुझे काफ़ी हेल्पफुल होगा। ये देखिए, क्योंकि ये देखिए ये जितनी खाली जगह ना ये उससे भी मैंने नीचे करके लगाया, तो अभी भी इसमें इतना गैप है हाथ डल जाता है। देखो ये मैंने लगाई है भाई यहाँ पे फॉग लाइट्स, ये देखो ये HJG KZ30 की फॉग लाइट है जिसका फोकस एडजस्टेबल है, आप यहाँ से इसको एडजस्ट कर सकते हो। तो इसकी भी वीडियो मैंने बना रखी है भाई, तो मेरे बाइक मॉडिफिकेशन की प्लेलिस्ट में आपको इसकी सारी मॉडिफिकेशन की वीडियो मिल जाएंगी। क्योंकि फॉग लाइट लगाने का मेन मकसद ये था, क्योंकि बाई चांस मान लो इसकी हेडलाइट का कोई बल्ब फ्यूज हो गया या कोई दिक्कत आ गई, कोई वायर मतलब कि इसकी हेडलाइट काम करना बंद कर गई, तो ये फॉग लाइट भाई काम देंगी मुझे, घर तक आसानी से आ पाऊँगा मैं अंधेरे में भी। तो ये भाई मैंने GoPro लगाने के लिए कुछ एक्स्ट्रा माउंट्स लगाए हैं, एक मिरर पे लगाया है, एक यहाँ पे लगाया, देखो मतलब कि अलग अलग एंगल शॉट लेने के लिए ये मैंने माउंट लगाए हैं। तो एक दो अभी और लगाऊंगा ट्रिप पर जाने से पहले।
ये है भाई इसका मोबाइल होल्डर विद चार्जर। तो दोस्तों एक चार्जर मैंने इसमें और लगाया हुआ है जो कि इसकी डायरेक्ट बैटरी से कनेक्ट है। उस चार्जर के अंदर ही ऑन ऑफ स्विच है। मान लो मेरा यहाँ पे टेल बैग रखा हुआ है, तो अगर मुझे कोई चीज़ चार्ज करनी है, मान लो हम कहीं खाने पीने के लिए रुके, तो मुझे बाइक ऑन करने की ज़रूरत नहीं है, तो मैं सीधा यहाँ से वायर निकालूंगा भाई, सीधा अपने बैग में जो भी मुझे चार्ज करना है उसको चार्ज कर सकता हूँ। एक और मैंने इसकी फेयरिंग में लाइट लगाई है भाई, ब्लू कलर की, ये देखो। तो इसकी फेयरिंग में लाइट चल रही है देखो, तो ये भी मैंने लगाई है ट्रिप पर जाने से पहले, क्योंकि भाई अगर रात को ट्रैवलिंग करेंगे लोकल वहाँ पे, तो भाई इसकी लुक है जो पूरी अट्रैक्टिव रहेगी। तो दोस्तों ये थी कुछ मॉडिफिकेशंस जो कि मैंने ट्रिप पर जाने के लिए ही की है। तो उसके अलावा मैंने इसमें काफ़ी सारी मॉडिफिकेशंस कर रखी हैं अपनी निंजा 300 में, तो जिसकी वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप जाके चेक कर सकते हो। तो दोस्तों फाइनली हम भी जाने वाले हैं नेक्स्ट वीक लद्दाख ट्रिप पर, हम 3 दोस्त हैं। अगर आप लद्दाख ट्रिप की पूरी सीरीज़ देखना चाहते हो तो भाई चैनल पर बने रहना, और अगर चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लेना बेल आइकन प्रेस करके, जब भी मैं वीडियो डालूंगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और ये वाली वीडियो आपको कैसी लगी, तो ये वाले मॉडिफिकेशंस कैसे लगे ट्रिप पर जाने से पहले जो मैंने किए हैं, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। और अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना। तो दोस्तों मिलते हैं किसी और बढ़िया सी वीडियो में, तब तक के लिए बाय।